हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने और एक नई वीडियो पे और अपने चैनल पे। तो यार भाई, ये जो वीडियो है मैं अगले ही दिन में डाल रहा हूँ, क्योंकि यार ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है इस वीडियो को शूट करने के लिए। और जो मैंने पिछली वीडियोज़ की जो शूटिंग की हुई है, सोचा उनको दोबारा डाल दूंगा, तो आज इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। तो यार आज की जो वीडियो रहने वाली है वो अपने गाड़ी के ऊपर ही मैं बनाने वाला हूँ यार, क्योंकि जो है अपनी गाड़ी को पूरे एक साल कंप्लीट हो चुके हैं। 29 मार्च को अगर आप लोगों ने मेरी पिछली सर्विसिंग वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि 29 मार्च को इस गाड़ी को पूरे एक साल हो जाएंगे। तो यार इतना ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा हुआ है इस गाड़ी के साथ, अपनी अल्ट्रोज के साथ, बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब दिल से भी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। आज जो भी मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस गाड़ी से रिलेटेड, पूरे एक साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, तो एक साल का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो स्पेशल बात ये है इस गाड़ी की कि ये जो वीडियो आप लोग के को मैं आज बना के दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये रहने वाला है यहाँ पहाड़ी इलाके में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है ये ज़्यादातर अपने पहाड़ी इलाके में चली है। तो पहाड़ी इलाके के हिसाब किताब से मैं आप लोग को पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आज के टाइम पर, आज 2022 के टाइम पे अगर आप लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो क्या आप लोग ले सकते हैं, क्या आप लोग के लिए गाड़ी ठीक है या फिर नहीं है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी यार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि यार आप लोग को पता है एक साल हो गया है इस गाड़ी को, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ मैंने लिया हुआ है, तो वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा यार। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें पता भी चलेगी, अच्छी से लेके बुरी चीज़ें जो भी इस गाड़ी में हुई है वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं, ये गाड़ी हमने पिछले साल 2021 में मार्च में हमारे को ये गाड़ी डिलीवर हुई थी। 29 मार्च को ही इस गाड़ी को हमने डिलीवर, हमारे हाथ में ये गाड़ी आई थी। तो आज 29 तारीख को ही इसको पूरे एक साल हो गए थे, तो सोचा इस वीडियो को थोड़ा लेट शूटिंग हो रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही सॉरी बोलता हूँ। तो यार ये गाड़ी दिल के इतनी करीब है और इतनी ज़्यादा मस्त मुझे ये गाड़ी लगती है, इतनी ज़्यादा प्यारी ये गाड़ी है। हर मामले में इस गाड़ी ने मुझे कभी ऐसे निराश नहीं किया कि भाई हाँ ये गाड़ी ठीक नहीं है, या फिर किसी वजह से मैं इस गाड़ी को इग्नोर करूं, या फिर मुझे पछतावा हो कि ये गाड़ी क्यों ली। भाई ऐसा होता है, आप लोगों को पता ही होगा यार कि भाई एक बंदा जब गाड़ी लेने की सोचता है, फर्स्ट टाइम जब वो गाड़ी लेता है लाइफ में, उसकी पहली गाड़ी होती है, तो आप लोग सोच सकते हैं जो बंदा होता है ना वो पहली गाड़ी हमेशा मारुति की लेता है, रिलायबल कार लेना चाहता है वो, चाहे वो मारुति हो चाहे वो जो भी हो, मैं नहीं जानता उस बारे में, पर जो अपनी जो पहली गाड़ी थी ना भाई वो थी ये, आप लोग देख सकते हैं टाटा अल्ट्रोज, ये अपनी पहली गाड़ी है लाइफ की जो हमने खरीदी है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी है, मैं सच में बता रहा हूँ आप लोग को, जब भी मैं इस गाड़ी को देखता हूँ, जब भी मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ ना भाई, तो दिल में एक चीज़ ज़रूर आती है कि भाई मैं किसी मजबूत गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। और अगर कभी भी जो है मेरी फैमिली को ये गाड़ी जो है कभी भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बाई चांस अगर कभी कुछ हो जाता है तो एक बार जो है इसका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और जो भी आज के टाइम पे ना ये गाड़ी को परचेज़ कर रहा है वो स्पेशली एक चीज़ तो सोच के लेता ही है कि भाई हाँ ये गाड़ी इतनी ज़्यादा मजबूत है, तो कभी ना कभी जो है ये गाड़ी अपने फैमिली को घर तक सुरक्षित ज़रूर पहुँचाएगी, तो इस चीज़ की गारंटी ये गाड़ी लेती है। बस बात और ये, मतलब भाई मैं जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा, तो आप लोग जो है उस चीज़ को समझना, अपने आप से रिलेट करना कि क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो सबसे पहले जो स्टेप था मेरा इस गाड़ी को लेने का, मतलब यही था कि भाई ये सबसे ज़्यादा सेफ थी और इसी वजह से ये हमने ली। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उससे मेरे को इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि यार अब जो है हमारे को सोच समझ के तो चलना पड़ता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आप ख़राब रोड में आप लोग जैसा मर्जी भी रगड़ दो, ऐसा तो नहीं है, तो स्पीड तो हमारे को कम करनी ही पड़ती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस से मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं है। बाकी चलने में एकदम मस्त है। अगर आप लोग को बताओ, अगर आप लोग फ्रंट टू ड्राइव वाले कार, मतलब फ्रंट टू ड्राइव वाले बंदे हैं आप लोग को, मतलब एंथुसियास्ट वाले हैं आप लोग, कि मैं मतलब आप लोग को उड़ानी है गाड़ी, तो आप लोगों के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, सीधी सी बात बोल देता हूँ मैं। अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ चलते हो, अगर आप लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना भाई, तो ये गाड़ी आप लोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है आज के टाइम पर, मैं सच में बता रहा हूँ। इस गाड़ी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है और इस गाड़ी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है लाइफ में कि भाई हाँ मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, बड़े आराम से चला सकता हूँ और बड़े प्यार से चला सकता हूँ। ये गाड़ी ऐसी है, आप इसको जितना भी चलाओगे ना भाई उतना कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर लाएगी, चाहे आप इसको हाई स्पीड में भी चलाओ। वैसे तो हाई स्पीड में आप लोग को गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, पर अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाते हो, हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, कहीं पर भी, ये गाड़ी आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करेगी। हमेशा जो है ये गाड़ी आप लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि भाई तू मुझे और भगा, जितना हो सकता है उतना भगा, मैं तेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाऊँगी। तो इस गाड़ी का बिल्कुल यही हिसाब किताब है कि ये आप लोग के कंट्रोल से बाहर नहीं जाने वाली है। इसका हैंडलिंग, इसकी ड्राइव क्वालिटी, इसकी सब कुछ आप लोग बताओ बिल्कुल एक नंबर है। इसी वजह से मुझे ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है आज के टाइम पे। तो मुझे और गाड़ियाँ, जो भी गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ी मुझे चलाने में मज़ा नहीं आती है जितनी मुझे ये चलाने में मज़ा आ रही है, तो ये बिल्कुल सच बात है।
तो यार एक बार जो है आप लोग इस गाड़ी को देखो यार, कितनी ज़्यादा मस्त गाड़ी है ये, देखने में देखो आप यार कितनी ज़्यादा प्यारी है यार। आप लोग एक बार बजट सेट करो अपना लाइफ में, अगर आप लोग पहली गाड़ी ले रही है तो यार अपने फैमिली के बारे में सोच के ज़रूर लेना, और एक सेफ गाड़ी लेना, ज़रूरी नहीं है यार आप लोग यही गाड़ी लो, मैं बस यही बोलता हूँ कि थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और एक सेफ गाड़ी ले लो, क्योंकि आज के टाइम पर जो है ना भाई सेफ गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। सेफ से मतलब वही नहीं है कि भाई आप लोगों को गाड़ी के अंदर सेफ्टी के फीचर्स दिए गए और वो सेफ हो जाती है गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी की जो सबसे मेन होती है वो होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है। आप लोगों को पता है आजकल जो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हाइप बना हुआ है ग्लोबल एनकैप, आप लोगों को पता है गाड़ी को क्रैश टेस्ट करता है, जिसमें ये जो अपनी टाटा और महिंद्रा की जो गाड़ियाँ जिसने सबसे ज़्यादा इस टाइम पर स्कोर किए हुए हैं, मतलब एक तरफा राज बना दिया है इसने टाटा ने और महिंद्रा ने अपने सेफ्टी के मामले में यार। तो बिल्ड क्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है ना भाई, वो इस गाड़ी के अंदर है, मैं आप लोग को सच बात बता रहा हूँ बिल्कुल। ये कुछ भी ऐसा नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ है इस गाड़ी के साथ। जब आप इसमें बैठोगे, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एक बार आप इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना आज के टाइम पे, तो आप लोग को पता ही खुद ही चल जाएगा कि भाई हाँ ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इसका जो बॉडी है ना भाई वो आप लोग देख के, कोई भी इस गाड़ी को देख के बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी है देखने में ही, बाकी चलाने में तो लग ही जाता है पता कि भाई कितनी ज़्यादा हैवी है ये। चलो इंजन से कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को अपना एक साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ी इलाके में मैंने इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा चलाई हुई है, तो मुझे कितनी दिक्कत आई है आप लोग को मैं बताता हूँ। तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई पावर की कमी है, सीधी सी बात बताता हूँ मैं, थ्री सिलेंडर के हिसाब से इसके अंदर जितना पावर है मेरे लिए बिल्कुल सफिशियंट है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है फन टू ड्राइव मैं करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ऐसे मैं रगड़ता नहीं हूँ गाड़ी को कि भाई चल पहले गियर में उड़ा दी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली के साथ चलना होता है तो भाई प्यार से ही चलता हूँ मैं, तो मुझे इसकी जो पावर है वो बिल्कुल सफिशियंट लगती है, ठीक लगती है कि भाई हाँ ना कम है ना ज़्यादा है, अच्छा है। जब एक बार इसकी मैं बस इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है इसमें कि फर्स्ट से लेकर सेकेंड गियर का जो इसमें टाइमिंग है ना भाई वो थोड़ा इसमें लैग मार जाता है, कि चलो ठीक है किसी से ओवरटेक करना होना तो इसको गियर डाउन करना ही पड़ता है, बस ये इसमें थोड़ी सी मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है इंजन का। चलो मैनेज कर लेंगे वो भी यार, पर सेफ्टी से बड़ा तो और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है ये बात, सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, आप लोगों को पता ही होना चाहिए ये बात, आप लोग भी आगे ध्यान रखना कि आप लोग एक सेफ कार ही ज़रूर ले आज के टाइम पे। बजट में आप लोग को पता है यार सेफ गाड़ियाँ बहुत सारी आ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं टाटा के ऊपर जा सकते हैं, महिंद्रा के ऊपर जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर सेफ कार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ चलते हो तो सेफ कार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग सोचोगे यार सेफ, हम खुद सेफ ड्राइव करेंगे तो भाई सेफ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को बताऊं मैं, अगर आप एक सेफ गाड़ी लेके चलते हो ना, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला क्या पता ट्रक आ जाए बस आ जाए, पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक अपना एक मैक्सिमम इसमें स्पीड में इसका क्रैश टेस्ट किया जाता है 60 से लेकर 70 की स्पीड में, अगर आप उस स्पीड को मेंटेन करके चलते हो तो भाई 100% गारंटी ये गाड़ी लेगी कि आप लोग को सेफ घर तक पहुँचा ही ये। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था यार, एक साल में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया यार, पर आप लोग को इतना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा यार इस गाड़ी ने जो है ना दिल जीत लिया है भाई, सीधी सी बात बोलता हूं मैं आप लोगों को, इस टाटा अल्ट्रोज ने दिल जीत लिया है। और ये आज भी ऐसी नहीं है कि भाई बिल्कुल ये ओल्ड है, मतलब पुरानी जैसी दिखती है या फिर ऐसा इसका लुक नहीं अच्छा है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को भाई इस गाड़ी को ना अगर आप 4-5 साल के बाद भी चलाओगे ये आपको तब भी उतनी ही पसंद आएगी जितना मुझे अभी इस वक्त आ रही है ना। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ आज तक अभी तक चलाई ना एक साल के अंदर भाई, मुझे दूसरी गाड़ियाँ चलाने में चाहे जितनी मर्जी पावरफुल गाड़ी मैंने चलाई हो जिसके अंदर भाई BHP बहुत ज़्यादा है, ठीक है मैंने बड़ी से बड़ी गाड़ी भी चला ली, छोटी से छोटी गाड़ी चलाई, पर भाई सच ही होता है इसकी जो राइड क्वालिटी है ना भाई, ये गाड़ी आपके हाथ में ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली है यार ये गाड़ी, मैं सच में बता रहा हूँ इतना ज़्यादा पसंद है ये गाड़ी मुझे हर मामले में यार, चाहे इसका आप बॉडी बोलो, चाहे इसका आप लुक बोलो, चाहे इसके अंदर आप लोग बैठेंगे, इसका इंटीरियर बोलो, एक्सटीरियर, हर चीज़ में यार मैं आप लोग को कैसे समझाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है पहाड़ी इलाकों में स्पेशली यार भाई, इस गाड़ी को चलाते हुए ना मैं सच बता रहा हूँ आप लोग को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि जब कोई भी इसके अंदर बैठता है ना भाई तो वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, वो बंदा खुद ही बोलता है भाई ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और सबसे यार अब चलो बहुत बातें हो गई, अब मैं आप लोगों को इसका अच्छा ही बताता हूँ, अच्छा ही तो दुनिया भर की है यार, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ, अल्ट्रोज का ओनर हूँ तो मैं अपनी गाड़ी की तारीफ ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार भाई, अब गाड़ी बढ़िया है तो तारीफ तो करूँगा ही मैं। जिसको बहुत ही ज़्यादा शौक है भाई चलाने का ना, मैं सच बता रहा हूँ उसके लिए ये गाड़ी बनी नहीं है। अगर आप लोगों को जो है ना भाई रेसिंग करनी है तो रेसिंग कार ले लो, सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो रेसिंग के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है।
अब जो है ना, जब कोई नया बंदा इस गाड़ी में आता है बैठने के लिए, तो सबसे पहले इस चीज़ की अच्छाई पता है मुझे क्या नहीं लगती, वो बंदा यहाँ से खोल ही नहीं पाता है। वो सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल ढूंढने लग जाता है कि भाई कहाँ है वो यार, वो बंदा कंफ्यूज होता है कहाँ है। उन लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है। अब चलो यहाँ तो उसको दिखा दिया, अब यहाँ से अंदर वो हाथ लगाता है और इसको ऐसे ही खींचने लग जाता है यार। उसको पता नहीं है कि अंदर एक इसमें हो के उसको प्रेस करके इस तरीके से खोलना होता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है यार। तो वो बोलते हैं भाई ये कैसी गाड़ी है ऐसी यार, जिसमें इस टाइप का ऐसा दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ भी है, पर उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनको भाई यहाँ वाली आदत है यहाँ पकड़ने वाली। तो इसमें यहाँ से दिया गया है तो लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई इसमें पकड़ने वाला तो है ही नहीं है। तो मुझे काफ़ी बार अंदर से ही खोलना पड़ जाता है दरवाज़ा। और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, कोई भी नया बंदा आता है ना, तो इस गाड़ी की मजबूती देख के ना वो बोलता है कि भाई इसके दरवाजे तो खुल ही नहीं रहे हैं। जब वो यहाँ से अगर मेरे साथ बैठने के लिए आता है तो इतना सा खुलता है, देख सकते हैं आप, इतना इसको पुश करने के बाद भी जो है ना ये खुल नहीं रहा है, बोलो अब आप। तो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इतना, और इसके दरवाजे तो है ही भारी है, आप लोग को पता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो यार बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई इस गाड़ी के मामले में, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ। तो और एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, अंदर मुझे और एक इसमें दिक्कत आती है, मैं आप लोग बताता हूँ क्या दिक्कत है। वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो है ना भाई, तो ये मेरा जो एडजस्ट है, मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट किया हुआ है। ये मेरा ड्राइविंग पोजीशन होता है ना, जब मैं यहाँ पे क्लच, ये अपना जो मेरा ये देख सकते हैं जो घुटना है ना, यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे टकरा जाता है, जिस वजह से यहाँ मुझे दर्द होने लग जाता है। तो अगर मैं अपने जो सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर मतलब करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये यहाँ टकराने लग जाता है मेरा घुटना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी होने लग जाता है। तो अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो फिर मेरे को यहाँ क्लच प्रेस करने के लिए दिक्कत आ जाती है, और आगे विजिबिलिटी भी मुझे थोड़ा ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार घुटना यहाँ पे टकराने लग जाता है। तो एक साल के अंदर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस गाड़ी की अच्छाई तो बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें जो बुराई है ना वो इसके पैनल गैप है। आप लोग पैनल गैप आप लोग देख सकते हैं, जो इसकी मैनेजमेंट किया हुआ है ना भाई इसका, ये आप लोग देख सकते हैं बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लोग ढंग से देख रहे होंगे, ये बराबर नहीं है, यहाँ पे ये ऊपर है ज़्यादा, ये ज़्यादा नीचे। पैनल का गैप आप लोग तो यहाँ देख सकते हैं, बरबर के इसमें पैनल गैप आप लोग को दिखाई देंगे भाई। बाकी क्वालिटी आप लोग प्लास्टिक की क्वालिटी बोलो यार भाई, एकदम सॉलिड है भाई, 5 स्टार इस गाड़ी को ऐसे ही नहीं मिले हुए है, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए भाई। और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था यार, एक साल का एक्सपीरियंस मैंने इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, ख़राब से ख़राब रास्तों में भी मैंने इस गाड़ी को चलाया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है अगर आप लोग अच्छे से इसको चलाते हैं। बाकी अगर मैं इसको माइलेज की बात करूँ यार, अब देखो गाड़ी तो चलानी है आपने यार, माइलेज क्या देखना आप लोग बताइए यार, जिस हिसाब किताब से आपने गाड़ी ली है वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। माइलेज चाहिए तो यार जाओ आप लोग यार, कोई भी गाड़ी ले लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सेफ्टी मेरे लिए ज़रूरी थी तो ये गाड़ी ले ली। अब माइलेज का हमारे को टेंशन नहीं रहता, चलो यार माइलेज कितने 10-11 अभी दे रही है ये अपने पहाड़ी इलाके में, आप लोग को बताइए 10-11 इसने देना है आम बात है। बाकी नीचे कभी हाईवे पे चले जाते तो 15-16 का एवरेज दे देती है बड़े आराम से, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छाई तो बहुत सारी है यार, मैं आप लोग को सिर्फ यार मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ यार, एक साल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है यार। मैं अगर कोई भी बंदा मुझसे पूछेगा ना क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए, ले लो भाई, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं, ले लो यार, बजट बनाओ बस आप लोग, बेशक आप लोग बेस मॉडल ही ले लो, कोई सीन नहीं है। बेस मॉडल में बस आप लोग को एक ही दिक्कत आएगी उसके अंदर कि यार आप लोग को गाने के लिए कोई सिस्टम नहीं मिल दिया जाएगा। आप लोग एक स्टेप ऊपर भी जा सकते हैं यार, आप लोग बजट बनाओ यार, बाकी आप लोग को फीचर्स ही फीचर्स मिलेंगे आज के टाइम पर, मैं सच में बता रहा हूँ, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया हुआ है आज के टाइम पर। तो मेरे तरफ से आप लोग को ये गाड़ी आज के टाइम पर लेनी चाहिए, कल के टाइम में भी आप लोग को ये लेनी चाहिए, आने वाले टाइम में भी ये लेनी चाहिए भाई, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से का इसका डिज़ाइन है ना भाई, जितनी ये गाड़ी बैठी हुई है ना हाईवे पे उसी तरीके से ये परफॉर्म करती है, सच में बता रहा हूँ मैं। लगता है कि भाई हाँ हम एक सेफ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और काफ़ी मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। तो एक साल का एक्सपीरियंस में आपको यही बताना चाहता था कि बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसके अलावा मुझे कोई गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता है, सीधी सी बात है। म्यूज़िक सिस्टम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिया हुआ है, आप लोग को पता ही है हार्मन कार्डन के इसमें म्यूज़िक सिस्टम दिए हुए, जिसकी क्वालिटी आप लोग को पता ही है ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, और इस गाड़ी का खुद का कंपटीशन भी नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है यार बिल्ला, इतना लंबा वीडियो बना रहा है यार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी पूरी एक साल की हो चुकी है, तो खुशी हो रही है इस बात की, चलो यार वक्त का पता ही नहीं चला इस गाड़ी के साथ कि इसको इतने जल्दी एक साल हो गए हैं। तो अब मैं आप लोग को लास्ट अपना टू दी पॉइंट बता देता हूँ कि भाई क्या करना चाहिए अब आज के टाइम पर आप लोगों को, ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, ले लो
बहुत अच्छी गाड़ी है, सच में बता रहा हूँ, आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखना एक बार आप लोग। अब इसका मॉडल मैं बता दूँ, ये हमने पिछले ही साल ली हुई थी, टाटा अल्ट्रोज XT लक्स वेरिएंट है ये। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें आप इतना सब कुछ काम किया हुआ, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो बता दूँ ये लिमिटेड एडिशन थी उस वक्त, तो ये हमने परचेस करी थी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यार लेनी चाहिए, टेस्ट ड्राइव लो आप सबसे पहले, उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन खुद ही ले लेना कि आप लोग को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, आपकी फैमिली को भी आपकी फैमिली को भी ये सेफ रखेगी, और कभी ना कभी जितने पैसे आप इस गाड़ी के अंदर डालोगे ना भाई, पूरे के पूरे वसूल हो जाएंगे, जो कि सबसे अच्छी बात होती है एक गाड़ी की। तो और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, इसके रोड प्रेजेंस के बारे में बताता हूँ। यार इसका रोड प्रेजेंस तो भाई आप पूछो ही मत, आज के टाइम पे ना, इस गाड़ी को 2020 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, उससे लेके आज तक अपने यहाँ इस इलाके में ना कहीं भी अभी आपको ये गाड़ी नहीं दिखाई देगी। तो लोग जो है मुड़ मुड़ के इस गाड़ी को देखते हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी जा रही है, ये कौन सी गाड़ी है, तो लोग पूछते हैं ज़रूर, एक बार ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी कौन सी है और कब ये लॉन्च हुई थी। तो इस चीज़ के बहुत अच्छा लगता है जब यार बंदे इस तरीके से रोक के पूछते हैं कि भाई हाँ ये गाड़ी भी है। पर चलो, आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, हमारे यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में, आप लोगों को पता ही है भेड़ चाल चलते हैं लोग, यार बस मारुति चाहिए हमारे को, फ्यूल इकोनॉमी वाली गाड़ी चाहिए। तो भाई सच बता रहा हूँ, लास्ट फाइनल अब वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, तो एक्सपीरियंस मैंने आप लोग को बहुत कुछ बोल दिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग माफ़ कर देना यार उस चीज़ के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार, सच में बता रहा हूँ, मैं इस गाड़ी के साथ मेरा जो रिलेशन बना हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बना हुआ है। इस गाड़ी को मेरे अलावा कोई और भी नहीं चलाता है, और मैं किसी और को देता भी नहीं हूँ ये चलाने के लिए, क्योंकि भाई दिल इसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी है ये गाड़ी अपने। तो देख सकते हैं यार फिर कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। कमेंट करना यार इस गाड़ी के लिए, और कुछ भी आप लोग की मेरे से पूछना हो इस गाड़ी के मामले में तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है यार, तो अब जो है अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो मैंने पिछले स्टॉक में रखी हुई है वही सब मैं डालूंगा यार। तो अच्छा रिस्पांस दो यार, आप लोग उसमें ठीक रिस्पांस नहीं दे रहे, लगता है टाटा के फैन ज़्यादा बढ़ चुके हैं मेरे इस पे, मेरे चैनल पे। तो यार दूसरी वीडियो भी देखनी चाहिए, ऐसा मत करो, जाओ वीडियो देखो और लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके, अभी अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, जय हिंद।